एनडीआरएफ की टीम से अनुरोध करता हूँ कि रेस्क्यू करने का सामान लेके आए और इस रोड को गड्ढे से बाहर निकालें, गडकरी से। जरा वो भी वीडियो को अच्छे से देखे, उन तक पहुँचाएँ। बिना लाइसेंस के सफ़र करने वाले को, बिना हेलमेट के चलने वाले को चालान काट दिया जाता है। बट ये सालों से रोड ख़राब है, बट अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। मंत्री तो अनेक वादे करते हैं। अभी हमारे शिक्षा मंत्री है, वो पुराना गाड़ी हो गया का कि रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा खर्च आता है, ताकि न्यू फॉर्च्यूनर ले लिए। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, ये रोड सालों से ख़राब है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये रोड को बदल दें या फिर सरकार को बदल दें? क्योंकि ये रोड पे भी चलने वालों को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है अपनी गाड़ी को। जो गाड़ी सालों भर चलेगी, वो गाड़ी 2 महीना में ही कबाड़ा हो जाएगा। जिस पर कोई सुनवाई नहीं, पूरा रोड ऐसे ही गड्ढों से भरा हुआ है। मैं एनडीआरएफ की टीम को भी इत्तला करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रोड गड्ढा में गिर गया है। क्योंकि सड़क मंत्री तो उनके कानों तक और आँखों तक ये वीडियो नहीं जाने वाला है, और जाएगा भी तो वो अनसुना कर देंगे। तो मैं एनडीआरएफ की टीम से अनुरोध करता हूँ कि रेस्क्यू करने का सामान लेके आए और इस रोड को गड्ढे से बाहर निकालें, क्योंकि इंडिया में ये आम बात है, लोग गड्ढे में गिरते हैं, बट अब सड़क भी गड्ढे में गिर जा रहा है।